और ये 14वां हमारा विशाल रक्तदान शिविर है। हर साल हम इसी रूप में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। बाबा गुरुवचन सिंह जी की याद में ये रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष में हर ब्रांच के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे रक्तदान शिविर के रूप में ये आप पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और एक मानवता के नाते ये कार्य किया जा रहा है। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, ये हमारा मेन मोटो रहता है, और आगे भी इसी रूप में हम रक्तदान शिविर लगाते रहेंगे। मिनिमम 100, 150 से लेके 250 यूनिट तक यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा सकता है और किया गया है। और आगे हमारी एक ब्रांच और नैनपुर में भी है, जिसमें भी पिछले साल 150 यूनिट ब्लड आया था। तो इस प्रकार मंडला ज़िले में 150 यूनिट पिछली बार मंडला में और 150 ब्रांच हमारी नैनपुर में, तो कुल 300 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया था। ये एक्चुअली संत निरंकारी मंडल है। संत निरंकारी मंडल में सेवा दल का भी एक हिस्सा रहता है, ये सेवा दल के द्वारा ही पूरा कार्य किया जाता है। और जैसे कि मंडला में 39 मेल एंड 26 फीमेल ऐसे सेवा दल हैं हमारे पास, जो निरंतर यहाँ पे सेवाओं में हिस्सा लिए रहता है। ये लगातार 2009 से रक्तदान शिविर चल रहा है, अभी ये 14वां रक्तदान शिविर है। ये मानव सेवा, जो ब्लड कई ऐसे बीमार होते हैं, ऐसी तकलीफ में होते हैं, तो मानवता के सेवा के लिए ये ब्लड दिया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में होता है, हर वर्ल्ड में जहाँ जो जो देश में बहुत बहुत ब्रांचें हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ब्रांचें हैं, और लंदन में भी ब्रांचें हैं, अमेरिका में ब्रांचें हैं, वहाँ सब जगह, कनाडा में ब्रांचें हैं, सब जगह ये रक्तदान शिविर होता है। मिशन की एक, आप जानते हैं, ये जो गतिविधि है हमारी ब्लड डोनेशन कैंप, इसको हकीकत में वैसे इस संसार के लिए हम बोलते हैं ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव, कि मानवता का, मानवता के प्रति समर्पित है। मानव का रक्त नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में, एक एकत्व की भाव पैदा करता है। और ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, एक रेड क्रॉस सोसाइटी में अगर आप देखें तो संत निरंकारी मिशन सबसे बड़ा रक्तदाता है। आज लगभग 12-13 लाख यूनिट 37 साल में मिशन के वॉलेंटियर्स दे चुके हैं। मंडला में ये 13वां या 14वां रक्तदान शिविर हो रहा है। पिछले साल भी 150 यूनिट यहाँ के ब्लड बैंकों को दिया था, और जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना यहाँ के रक्तदाता हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यही मंडला के जनमानस को यही आह्वान है कि रक्तदान एक जीवन को एक तो स्वस्थ रखता है, और जब रक्तदाता रक्तदान करते हैं तो उनके मन के भाव भी बदलते हैं, उनके अंदर एकत्व की भाव आता है कि मेरा रक्त किसी के काम आ रहा है, दयालुता की भावना आती है, दयालुता दयालु भाव बन जाता है। तो इसके लिए दोनों तरफ से ये बहुत फ़ायदेमंद है, जहाँ शरीर को स्वस्थ रखता है और मन के भाव को भी बदलता है। तो पूरे मंडला जनमानस से निवेदन है, हमेशा ही रक्तदान करते रहें। नौजवान बच्चे 17-18 साल से लेके 60-62 वायु, मेरी उम्र अभी 59 ईयर्स है, मैं अभी परसों जबलपुर देके आया हूँ, और मेरे को आज 45 बार हो गया देते हुए, तो ये खुशी का एहसास होता है। मेरे को जो प्रॉब्लम्स भी रहती हैं हेल्थ की, ब्लड देने से ठीक रहता है, स्वस्थ रहता हूँ। निरंकारी मंडल ब्रांच मंडला को संपर्क करें, क्योंकि आज एक पासबुक तरीके से क्रिएट हो जाती है। इनका 150 यूनिट वहाँ पे बैंक में जमा हो गया, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा इनको। तो आप मंडल में भेज दीजिए, किसी को भी मंडला के जनमानस को चाहिए होगा वो इनसे संपर्क करे, तो निरंकारी मिशन की चिट्ठी लेके वो जाएंगे, वो उनको देना पड़ता है, वो दे देते हैं, सब्जेक्ट के उनके पास अवेलेबल हो, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी गर्मियों में रक्त की बहुत कमी है, पर तो भी ये इंतज़ाम कर देते हैं, ये तुरंत एक आध ब्लड डोनेट कर देंगे और उसको मुहैया करा देंगे। वैसे हर ब्लड बैंक में ब्लड होता है।